ब्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं बंडागुड़ा में नेचुरल गेटेड कम्युनिटी लेक व्यू। बनाइए अपना ख्वाबों का आशियां कुदरती हसीन मनाजिर के पास, जिसमें ओपन प्लॉट, स्विमिंग पूल, पार्क और प्लेग्राउंड जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ दस्तियाब है। फलकनुमा पैलेस से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर लेक व्यू। कॉन्टैक्ट 8099777720। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ज्ञानबाग कॉलोनी के प्रेसिडेंट हनुमान दादा जी ने ये शिकायत की है कि मीडिया से GHMC की लापरवाही की वजह से उनकी कॉलोनी में सफाई का इंतजाम नहीं है। आइए देखते हैं राहुल की ये तफसीली रिपोर्ट। मैं हनुमान दादा, ज्ञानबाग कॉलोनी प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज कमिश्नर साहब आए थे, वो भी हम लोग 3-4 दिन से कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहे हैं ऊपर नीचे सब। हम MLA साहब को भी कंप्लेंट करें, कॉर्पोरेट साहब को भी कंप्लेंट करें, तो आज डिप्टी कमिश्नर आए तो हम पूरा बताए उनको, ऐसा सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, सब बताए। और घर वालों से मिलाए उनको कि क्या प्रॉब्लम है देखो के, तो घर वाले भी उनको सब जने कंप्लेंट करे कि सफाई नहीं हो रही। और सफाई हो रही वही तो कचरा का कुप्पा पड़े रह रहा, वो कचरा कुप्पा भी उठा के लेके जा रहे थे। उन्होंने बोले रिक्शा नहीं है हमारे पास, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनके बाद 3 लेबर लगाए हुए थे बोले हमारे पास डेली, लेकिन उस डेली हमारे एक ही दिखता और वो भी कचरा साफ कर, परिवार तो साफ करते नहीं, करे तो फिर कचरा उठा रहे नहीं। तो आज कमिश्नर साहब को बुला के बोले तो उन्होंने बोले हमारा काम नहीं होता, हम कर रहे हैं, आप गेटेड कम्युनिटी है, आप लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं। हम बोले हम मेंटेनेंस दे रहे, साल के 2000 रुपये किराएदार से लेते हम लोग और साल के 4000 रुपये हर घर से ले रहे, तो हमारा मेंटेनेंस कम से कम 4 लाख का खर्चा, हमारा 4 लाख का खर्चा आता है, हम 4 लाख रुपये जमा करते हैं मेंटेनेंस में। और ये वॉचमैन को तंगा चली जाती है हमारी, 11-11 हज़ार के 3 वॉचमैन है हमारे पास। तो हम उनको वही समझाया, अगर गेटेड रहती तो हम ही कर लेते थे, गेटेड नहीं है ये, और गेटेड रहती तो हम खुद कब से वैसी चाहे यहाँ पे कचरा हमेशा ऐसी चाहे। पहले तो भी जो पहले जो इंचार्ज था वो फिर भी ठीक था, अभी तो सब बेकार। यहाँ 2 मंदिर है, 2 मंदिर के आजूबाजू इतनी गंदगी रहती। नहीं, GHMC वालों को आप जब बोले ये एरिया में ऐसा गंदगी हो रही इससे साफ करो बोलते, वो लोग आपको क्या बोले? वो लोग बोले हमारा काम नहीं है, फ्री में हम कर रहे हैं, बोलते बोले आप इतना गुस्से में आ रहे हैं। हम बोले आप तनख्वाह ले रहे सब कर रहे हैं, आप फिर क्यों नहीं कर रहे काम, तो हम फिर भी ये कर रहे हैं, हमारा काम होता ही नहीं बोल रहे हैं। अब मैं बोला अगर आपका काम नहीं होता तो करो ही मत, आप आते क्यों, करते भी क्यों, हम जो भी है देख लेंगे। अभी आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? हम यही चाहते कि हमारी कॉलोनी अच्छी रहना, यहाँ अच्छे लोग है, यहाँ सब अच्छा है, यहाँ 2-3 मंदिर भी है, यहाँ मंदिर के आसपास इतनी गंदगी रहती, वो साफ सफाई वगैरह नहीं होती हमारे पास, या ड्रेनेज का लीकेज, अपना ड्रेनेज का ही प्रॉब्लम है हमारे पास, वो भी हम लोग उसका ऑलरेडी कंप्लेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास रोड का भी है, रोड पे पूरे गड्ढे वड्ढे है हमारे पास, सफाई बराबर नहीं हो रही। हम यही चाहते सब अच्छा हो जाना, सब ठीक हो जाना।